गामजन नई मंजिलों की जानेब आप एक्सप्रेस सो विमेंस डे स्पेशल देख रहे हैं। मैं इमरान हूँ, अरमला मेरे साथ हैं और आज काफी बिजी डे है इनका क्योंकि मुसलसल बिजी गुजर रहा है इनका ये वक्त, पर बहुत अच्छी बात भी। और मुझे जाती तौर पे आज के शो में, वैसे तो हर एक्सप्रेसो शो में हमारी कोशिश होती है, हम एक अरसे से ये काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फीमेल्स जो मुख्तलिफ शोबों में काम करी उनको आगे लेकर आए, लेकिन आज के शो को देखकर खासतौर पर जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, मुख्तलिफ गैर रिवायती शोबों में जो खवातीन अपना लोहा मनवा रही हैं, जिसको लोग उम्मीद तौर पर समझते हैं कि सिर्फ मर्दों के करने के काम है, वो करिए, तो ये देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। खैर, इट्स एन अमेजिंग डे आई मस्ट से। और आज पूरा दिन एक्सप्रेस न्यूज पे आपको खवातीन ही खवातीन नजर आएंगी, क्योंकि हमारा जो आज का कह लें एक पॉलिसी थी कि आज हमने खवातीन को ये दिन डेडिकेट किया है, और इसके लिए चाहे सुबह हो शाम हो, शाम 5 बजे की ट्रांसमिशन हो, खवातीन और बहुत अमेजिंग खवातीन होने वाली है। सो आपने आज पूरा दिन एक्सप्रेस न्यूज ट्यून करना है और हमारा शो तो आज भी चला। एग्जैक्टली, जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस वी मस्ट से। और आपके पास बड़ी पावर्ड एम्पावर्ड खवातीन इम्पावर्ड खवातीन है, फिजा फरहान है, मिना तारिक है और माहीन सुहेल है। फिजा आपके जानेब आएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम बात कर रहे थे कि आप जिस तरह से काम करिए खवातीन की इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, और जब हम यूएन की बात करते हैं तो चूंकि आप यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ उनके एडवाइजर भी हैं, इस हवाले से आप काम करिए, सो टेल अस अबाउट दैट कि यूएन क्या सोच रहा है, किस तरह से जो पाकिस्तानी खवातीन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है स्टेट लेवल पर यूएन के प्लेटफॉर्म से, इस हवाले से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाली है। राइट, सो बेसिकली यूएन में ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी अबाउट 3 years ago। एक मैकिन्ज़ी ने रिपोर्ट लॉन्च की आफ्टर डूइंग अ सर्वे ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज, कि जिन कंपनीज में खवातीन मैनेजमेंट में बोर्ड में ज्यादा हैं और जिन कंपनीज में नहीं है जेंडर इनइक्वालिटी है, तो उनका क्या फर्क है प्रॉफिटेबिलिटी पे। The result was this, that companies that had more women in their management, in their boards, had 26% higher profitability, had 26% higher returns than those companies जिनमें खवातीन उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी। उससे उन्होंने पूरी एक रिसर्च की, एक रिपोर्ट इशू की, पब्लिश की, कॉल्ड द जेंडर पैरिटी रिपोर्ट बाय मैकिन्ज़ी, दैट हैविंग वुमेन इन ऑर्गेनाइजेशंस in the economic stream, usse it's a profitable case, it's an economic case, it actually leads to higher profitability and higher commercial returns. जिससे ये बात UN पे भी और बहुत सारे इस तरह के जो international इदारे हैं, platforms हैं, उस पर establish होगी कि औरतों को empower करना सिर्फ एक social cause नहीं है, सिर्फ एक feminism का या एक social good नहीं है, इट्स द राइट थिंग टू डू, बिकॉज अगर कॉमो ने तरक्की करनी है, अगर किसी मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, तो उसको अपनी खवातीन को इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना पड़ेगा। सो इट बिकेम लाइक द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन केम टू द टॉप ऑफ आर हायरार्की ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। और जब एक औरत इकोनॉमिकली एम्पावर होती है तो वो ऑटोमेटिकली सोशली, लीगली, पोलिटिकली एम्पावर हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये चीज पकड़ ली कि हमने वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करना है, और इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल तो बैन की मून थे, अब एंटोनियो गुटेरेस है। This is January 2016. He launched this panel, first ever panel of women's economic empowerment, which is now called the UN Secretary General's High Level Panel on Women's Economic Empowerment. और उसमें पाकिस्तान और साउथ एशिया को I was representing, and then we had global dignitaries like President World Bank, Christine Lagarde, Managing Director ILO, IMF. ILO के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट कोस्टा रिका, इंटरनेशनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट UK, सारे ग्लोबल डेवलपमेंट लीडर्स मिलके we came up with a policy of women's economic empowerment for all UN member states. तो उसमें पाकिस्तान ने भी साइन अप किया, प्लेज लिया, और अब वो सारी पॉलिसीज, वो सारे इनिशिएटिव्स हम पाकिस्तान में रोल आउट करें गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन तो बड़ी है, मतलब वी हैव द विमेन बैंक, हमने पुलिस स्टेशंस के ऊपर काम किया, आज हम मैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से देख रहा था बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन की गई है, कुछ लाई गई है, ज़ैनब अलर्ट ऐप की हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हुई है। तो हाउ डज यूएन सी द रोल ऑफ विमेन एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स द विमेन एम्पावरमेंट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स। एक मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ जो मेरे लिए बहुत एस्टोनिशिंग थी। पाकिस्तान इज वेरी यूनिक बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटीज में 50% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर वुमेन, मेडिकल कॉलेजेस में 60-70% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर वुमेन, बट ओनली 10% ऑफ देम आर कमिंग इनटू द वर्कफोर्स। तो टैलेंट बहुत है, स्किल सेट बहुत है, लेकिन जो हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जो भी पहले भी बात हुई फैमिली सपोर्ट की, वो आई फील वहां पे कहीं पे जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वर्कफोर्स में वो कट ऑफ हो जाती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वी नीड टू वर्क ऑन इन पाकिस्तान, फॉर्मल सेक्टर में भी और इनफॉर्मल सेक्टर में भी, व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू विद। ओके, मैंने जिस तरह से अभी फैजल ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इतने सारी खवातीन की रेशियो इतनी ज्यादा है, ग्रेजुएट होती है, बट जब
प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तो उस तरह से काम या उस ग्रोथ में हिस्सा नहीं डाल पाती. व्हाट यू थिंक, कल्चरल बैरियर्स हैं, फैमिली सपोर्ट की कमी है, या खुद से खवातीन के अंदर वो मोटिवेशन नहीं है? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट यू थिंक? So definitely I think cultural barriers and other barriers, infrastructure barriers isme. Infrastructure se mera matlab hai ki mobility is an issue, for example, right? Auraton ka safely point A se point B jana abhi tak hamare mulk mein issue hai. Hum agar badi cities mein dekhte hain ki aapko car sharing services ya is kisam ki mil gayi hai, aur wo bhi fully shayad us tarah se abhi tak safe nahi hai. Public transport to abhi tak bahut unsafe hai, sadkein unsafe hain. फिर वर्क प्लेस पे जाकर उनकी सेफ्टी, तो औरतें जो है ना, उनकी फैमिलीज भी, जब बहुत सारी फैमिलीज जब उनको नहीं अलाउ कर रही होती तो वो ऑलमोस्ट एक डर की वजह से नहीं अलाउ कर रही होती. मतलब जाहिर इसमें सोशल इश्यूज भी होते हैं मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं. तो मोबिलिटी बहुत बड़ा इशू है. हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अभी तक क्योंकि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, और उसमें अगर एक औरत को जाना पड़ जाए, एक औरत अगर किसी इन्वेस्टर से भी पैसे ले ले और उसको कोई मसला हो जाए, किसी पार्टनर के साथ कोई मसला हो जाए, मतलब कॉर्पोरेट सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाए, तो भी उसको सॉल्व करने के लिए एक औरत के लिए अभी तक बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं. ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से फैमिलीज भी रोकती हैं और औरतें खुद भी शायद डरती हैं या घबराती हैं, आगे नहीं जा सकती. फिर जाहिर है सोशल इश्यूज की वजह से अपॉर्चुनिटीज वैसे भी आपको बहुत कम मिलती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अभी तक भी चैलेंजेस.